फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर डिक्शन ड्रीम इलेवन में। जैसा कि आप जानते हैं, जो आईपीएल में आज मैच खेला जाना है कलकत्ता और हैदराबाद के बीच में, इस आईपीएल का सेकंड क्वालिफायर मैच खेला जाएगा और ये मैच खेला जाएगा कलकत्ता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन के स्टेडियम में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोनों के प्लेइंग 11 की और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, जिससे आपकी कोई भी न्यूज मिस नहीं होगी। अगर आपने कोई भी न्यूज मिस नहीं की तो आप एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन की टीम की और वेव इलेवन की टीम की। तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास ही में जो बेल आइकन का बटन है आप उसे प्रेस कर दीजिए, उसे होगा ये कि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले दोनों की प्लेइंग 11 की और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की। तो ये खेलना है और ये मैच खेला जाएगा कलकत्ता के होम ग्राउंड ईडन गार्डन के स्टेडियम में। पिच रिपोर्ट की हम बात करें तो 60% बैट्समैन को पिच सपोर्ट करती है और 40% जो है बॉलर्स को सपोर्ट करती है। लेकिन हमें पिछले दो तीन मैचेस देखे हैं कि बॉलर्स को जो पिच है वो ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। हम बात करें यहाँ के फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की, वो होता है 170 का। सेकंड इनिंग करता है 175 का। हम सबसे पहले बात करेंगे हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। तो शिखर धवन, गोस्वामी, केन विलियमसन, मनीष पांडे, यूसुफ पठान, शाकिबुल हसन, कार्लोस ब्रेथवेट, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल और संदीप शर्मा। तो ये प्लेइंग 11 रही थी पिछले मैच में हैदराबाद की टीम की, लेकिन अपना पिछला मैच जो है हैदराबाद हार गया। तो अगर अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस करना चाहता है तो यहाँ पे कार्लोस ब्रेथवेट की जगह एलेक्स एलेक्स को टीम में लाया जा सकता है वापस। अगर आपको रिस्क लेने की इच्छा हो तो यहाँ पे आप एलेक्स एलेक्स के साथ रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही कम चांस है इनके खेलने के, लेकिन चांस है इनके खेलने के। अगर आप इन पर रिस्क लेते हो और कैप्टन बनाते हो और आपको पता एलेक्स एलेक्स अगर खेलेंगे तो सीधा ओपनिंग बल्लेबाजी करने आएंगे और आपको पता बहुत ही अच्छे प्लेयर्स अगर परफॉर्म अच्छा करेंगे तो आपको वन साइडली ग्रैंड विन करा सकते हैं या आपको अच्छा अमाउंट विन करा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है हैदराबाद अपनी टीम में कोई भी चेंज नहीं कराया, क्योंकि अपना हैदराबाद जो है अपने बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ जो है मैच खेल रहा है। तो हम आगे बात करने वाले हैं कलकत्ता की प्लेइंग 11 की। तो क्रिस लिन, सुनील नारायण, रॉबिन उत्थप्पा, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक, शुभम गिल, आंद्रसल, कुलदीप यादव, शैलेश कृष्णा और पीयूष चावला। तो ये प्लेइंग 11 रहती है कलकत्ता के पिछले मैच में, और कलकत्ता ने पिछला मैच जो है अच्छे तरीके से विन भी किया था। तो मुझे लगता है कलकत्ता अपने प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस नहीं करेगी। अगर एक चेंज करना चाहती है तो यहाँ पे शैलेश, जो लगातार इनके ऊपर मौका दिया जा रहा है लेकिन इनका जो परफॉर्म है वो इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो इनके जगह टॉम कोरन को टीम में वापस लाया जा सकता है। तो ये एक चेंज कलकत्ता की टीम में हो सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कोई भी कलकत्ता की टीम जो है अपनी टीम अब कलकत्ता जो अपनी टीम में चेंजेस करेगी। बाकी कोई भी न्यूज़ आई के प्लेयर्स के बारे में या इंजरी के बारे में तो आप एक बार मैच से पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। हम बात करने वाले टॉप 11 प्लेयर्स की इस आईपीएल में जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किए इन दोनों टीमों में से और सबसे ज़्यादा पॉइंट अपनी टीम को दिला रखे हैं। फर्स्ट नंबर पे केन विलियमसन 493.5 पॉइंट के साथ, सेकंड नंबर पे सुनील नारायण 404.5 पॉइंट के साथ, थर्ड नंबर पे दिनेश कार्तिक 403.5 पॉइंट के साथ, फोर नंबर पे आंद्रेसल 381 पॉइंट के साथ, फाइव नंबर पे शिखर धवन 345.5 पॉइंट के साथ, सिक्स नंबर पे क्रिस लिन 314.5 पॉइंट के साथ, सेवन नंबर पे शाकिबुल हसन 276 पॉइंट के साथ, एट नंबर पे रॉबिन उत्थप्पा 264.5 पॉइंट के साथ, नाइन नंबर पे राशिद खान 260 पॉइंट के साथ, टेन नंबर पे नीतीश राणा 246.5 पॉइंट के साथ और लास्ट में मनीष पांडे 229 पॉइंट के साथ। तो ये पॉइंट टेबल मैं आपके लिए इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा कंफर्म हो सके कि इस आईपीएल में से कौन से प्लेयर इन दोनों टीमों में से जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे आप खुद से एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। हम आगे बात करने वाले कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की। तो क्रिस लिन, सुनील नारायण, नीतीश राणा, आंद्रेसल, शिखर धवन, केन विलियमसन और मनीष पांडे, ये सात प्लेयर ऐसे हैं इनको लोग 80-85% अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रखेंगे। अगर आप ग्रैंड लीग में कुछ अलग करना चाहते हो तो यहाँ पे यूसुफ पठान, शाकिबुल हसन, राशिद खान, गोस्वामी, दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव, शुभम गिल, कार्लोस ब्रेथवेट और यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार। तो ये नौ प्लेयर ऐसे इनको लोग 7-8% ही अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रखेंगे। अगर आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रखते हो और ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको वन साइडली ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से जाना चाहते हो तो इनमें से किसी को कैप्टन और इनमें से किसी को वाइस कैप्टन, या आप इनमें से किसी को वाइस कैप्टन और इनमें से किसी को टीम में अपने कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करके अपनी टीम के हिसाब से आप एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। तो ये थी न्यूज इस मैच की। अब मैंने आपको एक चीज़ है जो क्लियर कर दी है, अब मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद से टीम बनाओ, किसी की टीम की आप कॉपी मत करो। तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही में जो बेल आइकन का बटन है आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो देखते रहते आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो आप जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे वीडियोज़ में उतना ही जो है मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए आगे और भी अच्छा काम कर पाऊंगा। हम आगे बात करने वाले हैं सबसे पहले वेव इलेवन की टीम की, और वेव इलेवन की
ऐप के बारे में आपको अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसी ऐप का मैंने पर्सनली वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि वेब इलेवन की ऐप को आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो, कैसे आप इसमें साइन अप कर सकते हो। मेरे रेफरल कोड के साथ अगर आप साइन अप करोगे तो आपको 100 रुपये का बोनस भी मिलेगा। बहुत ही अच्छा ऐप है और 100% लीगल ऐप है। इस ऐप में आप 1 रुपये भी विड्रॉ कर सकते हो, किसी भी ऐप में ये नहीं है कि आप इतना कम अमाउंट जो है विड्रॉ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ऐप है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हैदराबाद और कलकत्ता की वेव इलेवन की टीम के बारे में, जो मैंने आपके लिए पहले से ही जो है बना रखी है। यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में मैंने पिक किया है दिनेश कार्तिक को, शिखर धवन, केन विलियमसन, नीतीश राणा और क्रिस लिन। यहाँ पे कार्लोस ब्रेथवेट, शाकिब उल हसन, आंद्रे रसल, राशिद खान, सुनील नारायण और कुलदीप यादव। तो इस टीम में मैंने कैप्टन रखा यहाँ पे शिखर धवन को और वेस्ट इंडीज में रखा दिनेश कार्तिक को। तो ये मेरी वेव इलेवन की टीम रहने वाली, इसी टीम के साथ मैं वेव इलेवन में खेलने वाला हूँ। अगर आपको वेव इलेवन में एक से ज़्यादा टीमें बनानी है तो आप बना सकते हो। बहुत ही अच्छा ऐप और 100% लीगल ऐप है। आपको वेव इलेवन के जो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को, और मेरे रेफर कोड है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिससे आप अगर मेरे रेफर कोड के साथ साइनअप करोगे तो आपको 100 रुपये का बोनस भी मिलेगा। बहुत ही अच्छा ऐप है। हम आगे बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की टीम की, जो मैंने आपके लिए बनाई है। ड्रीम इलेवन का मैं एक बात आपको कंफर्म कर दूं कि बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ड्रीम इलेवन में जो है प्रॉब्लम आ रही है, कि जो लोग हैं जो 1 या 2 मैच खेल रहे हैं वो भी जो है ग्रैंड लीग जो विन कर रहे हैं। तो ये हो सकती है कि ड्रीम इलेवन में अभी कुछ ऐसा हो रहा हो, जिससे मुझे नहीं लगता ड्रीम इलेवन जो है उतना सेफ रहा हो। तो अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आप जो वही लीग्स खेलिए और वही ऐप में खेलिए जिस ऐप में कंपटीशन कम हो, जैसे वेव इलेवन। वेव इलेवन में आप खेलो, उसमें कंपटीशन भी नहीं है और आप अच्छा विन भी कर सकते हो। ड्रीम इलेवन एक तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो रखा है और मुझे नहीं लगता अब ड्रीम इलेवन सेफ है, क्योंकि इसमें बहुत सी सारी प्रॉब्लम हो रही है। जो लोग 1 से 2 मैच खेल रहे हैं, 3 मैच ही ड्रीम इलेवन अब तक पूरे खेले हैं, उन्होंने ग्रैंड लीग विन कर रखी, और हमें इतना नॉलेज है, हम इतने साल भर से खेल रहे हैं तब भी हम ग्रैंड लीग विन नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो आप वेव इलेवन में खेलिए, बहुत ही अच्छा ऐप है, आप उसमें अच्छे तरीके से विन भी कर सकते हो। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पर ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की टीम के बारे में। तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, दिनेश कार्तिक, गोस्वामी और रिद्धिमान शाह। तो रिद्धिमान शाह नहीं खेलेंगे, जो दो आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है वो दिनेश कार्तिक और यहाँ पे गोस्वामी। मैं गोस्वामी के साथ इसलिए इस टीम में जा रहा हूँ क्योंकि एक तो क्रेडिट कम है और ये इनको बहुत ही कम लोग अपने टीम में पिक करेंगे। आपको पता ओपनिंग बल्लेबाजी करनी आएंगे अगर एलेक्स एल नहीं खेलते हो, तो आप दिनेश कार्तिक के साथ एकदम सेफ जा सकते हो। हम बात करने वाले बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने 4 बैट्समैन को पिक किए, केन विलियमसन, क्रिस लिन, मनीष पांडे और यहाँ पर नीतीश राणा को। और ऑप्शन की बात करो तो आपके पास शिखर धवन एकदम सेफ ऑप्शन है, रोबिन उथप्पा आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, यूसुफ पठान मुझे लगता है आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। एलेक्स एल का कम चांस अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप एलेक्स एल के साथ रिस्क ले सकते हो। यहाँ पे दीपक हुड्डा तक ये प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, यहाँ पे ये प्लेयर्स नहीं खेलेंगे और यहाँ पे आपको शुभम की खेलते हुए नजर आ जाएंगे। हम बात करते हैं ऑलराउंड सेक्शन की, तो मैंने 3 ऑलराउंडर पिक किया है, सुनील नारायण, आंद्रे रसल और शाकिबुल हसन। और ऑप्शन की बात करो तो आपके पास कार्लोस ब्रेथवेट और का एकदम सेफ ऑप्शन है, और यहाँ पे टॉम कोलिन खेल सकते हैं लेकिन बहुत ही कम चांस रहने वाले हैं। हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने 3 बॉलर को पिक किया, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार और यहाँ पे कुलदीप यादव। और ऑप्शन की बात करो सिद्धार्थ कौल, संदीप शर्मा आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, क्रिस जॉर्डन नहीं खेलेंगे, मिशेल जॉनसन नहीं खेलेंगे, यहाँ पे पीयूष चावला आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, कृष्णा एकदम सेफ ऑप्शन है, धम्पी नहीं खेलेंगे, अहमद नहीं खेलेंगे, नटराजन नहीं खेलेंगे यहाँ पे, और आपको सेलेस खेलते हुए नजर आ जाएंगे, बाकी ये प्लेयर जो है नहीं खेलेंगे। तो हम बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, इस टीम में मैंने कैप्टन रखा है यहाँ पे सुनील नारायण को और फर्स्ट इलेवन में रखा है केनी विलियमसन को। तो हम बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की, तो ये मेरी ड्रीम इलेवन का फाइनल प्रीव्यू रहने वाला है, इसी टीम के साथ मैं ड्रीम इलेवन में खेलने वाला हूँ। अगर आप ड्रीम इलेवन में खेलना चाहते हो तो आप ग्रैंड लीग नहीं खेल के स्मॉल लीग खेलिए, स्मॉल लीग में आपके विन करने के ज़्यादा चांस रहेंगे। ग्रैंड लीग अगर आप खेलोगे तो मुझे लगता है आप ग्रैंड लीग विन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे लगता है ड्रीम इलेवन की कुछ ना कुछ इसमें सेटिंग है कि हम ग्रैंड लीग जो है विन नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम ग्रैंड लीग विन करने के नज़दीक आते हैं तो वो हमारे कॉम्पिटिशन में एक ऐसी टीम ला के जो हमारे सामने रख देते हैं, जिससे हम ग्रैंड लीग विन नहीं कर पाते। अगर आप ड्रीम इलेवन में खेलना चाहते हो तो स्मॉल लीग ही ड्रीम इलेवन में बेस्ट रहने वाले, बाकी आपका पैसा आपका टाइम है, आप जो है खेल सकते हो ड्रीम इलेवन में भी। तो यही मेरी जो है स्मॉल लीग की टीम रहने वाली, इस टीम के साथ मैं ड्रीम इलेवन में खेलने वाला हूँ। अगर आपको ये टीम अच्छी लगी तो आप जा सकते हो इस टीम के साथ, नहीं तो आप मैंने आपको सारी न्यूज़ दे दी इस मैच की, आप अपने तरफ से जो है 1-2 चेंजेस कर सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपने तरफ से चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द। धन्यवाद।